छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डैम में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई तो वहीं तीसरा छात्र गंभीर है। छात्र जन्मदिन पर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे और डैम में नहाते समय यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक छात्र राजा कश्यप नहाते समय डूब रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में उसके दोस्त गहराई में चले गए। राजा को बचाने की कोशिश करने वाले दोस्तों ने राजा को तो बचा लिया, लेकिन उनकी जान वो खुद नहीं बचा पाए। पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकाल लिया है। वहीं राजा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये घटना रतनपुर क्षेत्र के लखनपुर स्थित चचई डैम की है। कोटा एसडीओपी आशीष अरोरा ने बताया कि शनिवार दोपहर कोतवाली क्षेत्र के दयालबंद नारियल कोठी के रहने वाले 16 से 18 साल के 5 स्टूडेंट अपने दोस्त अंकित के जन्मदिन पर पिकनिक मनाने गए थे। दोपहर बाइक में सवार पांचों दोस्त रतनपुर से 7 किलोमीटर दूर कलमिटार लखनपुर स्थित चचई डैम में पिकनिक मनाने पहुंचे। नहाते समय डूबने वाले राजा कश्यप को बचाने के लिए उसके दो दोस्त अंकित और आकाश गहराई में चले गए। ये देखकर किनारे में मौजूद नवीन पनिकर और प्रेम कश्यप ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक तीनों गहराई में समा गए थे। तीनों लड़कों के डूबने की जानकारी दोपहर करीब 3 बजे आसपास के लोगों को हुई, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जहां खबर मिलते ही रतनपुर पुलिस के साथ एसडीओपी आशीष अरोरा भी वहां पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से एक छात्र राजा कश्यप को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके पेट में काफी पानी चला गया था और वो बेहोश हो गया था। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजा कश्यप को गंभीर हालत में निकालने के बाद ग्रामीणों ने अंकित और आकाश की भी तलाश शुरू की, जहां काफी मशक्कत के बाद भी ग्रामीण उन्हें जिंदा नहीं बचा पाए। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।